सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल लेटेस्ट भीज को और प्रेस करें बेल आइकन को हमारे सारे लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। हेलो गाइज, वेलकम टू लेटेस्ट भीज। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर वाला क्विज क्वेश्चन नंबर वन से। ये रहा क्वेश्चन नंबर वन आपके सामने। नेम द योजना अप्रूव्ड बाय कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स चेयर्ड बाय पीएम नरेंद्र मोदी टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू इंटीग्रेटेड बायोइथेनॉल प्रोजेक्ट्स यूजिंग इग्नोसेलुलोजिक बायोमास एंड अदर रिन्यूएबल फीडस्टॉक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री, और योजना का नाम है प्रधानमंत्री जीवन योजना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाउ मच अमाउंट वॉज अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट एज द शेयर कैपिटल ऑफ RBI इन नेशनल हाउसिंग बैंक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन, 1450 करोड़ रुपये। कितना हुआ है अप्रूव, तो उसका अमाउंट हो गया है 1450 करोड़ रुपये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स अप्रूव्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ 4-lane bridge व्हिच कनेक्ट्स ध्रुबी इन आसाम एंड फुलबारी इन मेघालय ओवर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, ब्रह्मपुत्र रिवर। इसके ऊपर अभी अभी 4 lane bridge बनाया जा रहा है, जो कि ध्रुबी आसाम से फुलबारी मेघालय में दोनों को लिंक करेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आगे बढ़ते हैं। सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट विल बी सेट अप इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटी दैट इज अप्रूव्ड बाय कैबिनेट रिसेंटली विथ एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ₹170.99 crore फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो, ग्वालियर मध्य प्रदेश में ये अभी सेटअप करने वाले हैं, और 5 साल के लिए उसका पैसा हुआ है 171 करोड़ के आसपास। तो चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। नेम द पॉलिसी अप्रूव बाय कैबिनेट टू डेवलप इंडिया एज ए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट नेशन यूनिट। तो वो पॉलिसी का नाम क्या है जिसे अभी अप्रूव किया गया है, तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री, नेशनल पॉलिसी ऑन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स 2019। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री वॉज डिसाइडेड एज द 25th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसीज टेक्नोलॉजी कोलाबोरेशन प्रोग्राम ऑन बायो एनर्जी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन, जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ये अभी 25th मेंबर बने हैं एनर्जी एजेंसीज टेक्नोलॉजी कोलाबोरेशन प्रोग्राम ऑन बायो एनर्जी के। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल गवर्नमेंट योजना विल फाउंड द न्यू AIIMS दैट इज टू बी सेट अप एट मैनेथी हरियाणा एट द कॉस्ट ऑफ 1299 करोड़। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू, जो कि है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। इसके तहत अभी 1299 करोड़ रुपये दिया जाएगा एक नया AIIMS खुलने के लिए, जो कि खुलेगा हरियाणा स्टेट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडिया हैड साइंड MOU विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इन द फील्ड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री, ताजिकिस्तान के साथ अभी एक MOU साइन किया है इंडिया ने, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर बेस्ट है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंडिया एंड UK हैड साइंड MOU ऑन 28th January 2019 इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार, कोऑपरेशन इन वेदर एंड क्लाइमेट साइंसेस। इसके ऊपर अभी इंडिया और UK ने 28 जनवरी को एक तो MOU साइन किए थे। तो आगे बढ़ते हैं। Where the डिपार्टमेंट ऑफ Empowerment ऑफ Persons विथ डिसेबिलिटीज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड Empowerment ऑर्गेनाइज ए नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन दीनदयाल डिजेबल्ड रिहेबिटेशन स्कीम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू, जो कि है न्यू दिल्ली। अभी अभी से न्यू दिल्ली में ही ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेम द एक्सरसाइज दैट वॉज हेल्प इन सॉरी दैट वॉज हेल्ड इन त्रिपुरा बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश एज ए पार्ट ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन, जो कि है मेनमती मैत्री एक्सरसाइज। ये आपका एक स्टैटिक GK के हिसाब से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। व्हिच बैंक
had signed the loan agreement with Government of India for financing the Andhra Pradesh Rural Roads Project, which will connect 3300 habitations. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो ये अभी एग्रीमेंट साइन किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, जो कि एक आंध्र प्रदेश के रूरल रोड्स प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेम द बैंक दैट हैड लॉन्च्ड ओपन बैंकिंग प्लेटफॉर्म फॉर क्रिएटिंग ए कोलैबोरेटिव इकोसिस्टम विद एंटरप्राइजेस फिनटेक्स एंड ऐप डेवलपर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, डीसीबी बैंक। डीसीबी बैंक ने अभी एक नया वाला प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हिच इंश्योरेंस कंपनी लॉन्च इंडियाज फर्स्ट पॉलिसी टू प्रोटेक्ट बैंक लॉकर सच एज ज्वेलरी टाइटल डॉक्यूमेंट्स एंड अदर वैल्यूएबल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इपको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस। अभी ये बैंक लॉकर जैसे ज्वेलरी टाइटल डॉक्यूमेंट ये सबको भी प्रोटेक्ट करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू द यूएस बेस्ड रेटिंग एजेंसी नेम्ड मोदीज क्वार्टरली ग्लोबल मैक्रो आउटलुक, इंडियन इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 10% इन 2019 एयर 2020। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जो कि है 7.3% अभी ग्रो करने वाला है 2019 और 2020 में। व्हाट इज द ग्रोथ रेट ऑफ इंडियाज इकोनॉमी फॉर द थर्ड क्वार्टर दैट इज डिसम्बर फोरकास्टेड बाय द सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जो कि है 6.6%। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु बिकेम द मेंबर ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन आफ्टर श्री शक्तिकांत दास रिजाइंड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अजय नारायण झा। और अभी श्री शक्तिकांत दास हैं आरबीआई के गवर्नर, आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बैंक बिकम द सेकेंड ओवरसीज बैंक आफ्टर गेटिंग अप्रूवल फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू मर्ज विथ इट्स इंडियन बिजनेस यूनिट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जो कि है डीबीएस बैंक। वो अभी अपने इंडियन यूनिट के साथ मर्ज करें और ये ऐसे करने वाली सेकेंड बैंक है इंडिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेम द बैंक व्हिच हैड लॉन्च्ड राइस नॉलेज बैंक असम एन एग्रीकल्चरल वेब पोर्टल अंडर इट्स प्रोजेक्ट एग्री बिजनेस एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वर्ल्ड बैंक। तो कौन लॉन्च किया? वर्ल्ड बैंक ने लॉन्च किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेम द इंडियन प्लेयर हु वन द प्लेयर ऑफ द सीरीज इन द ओडी सीरीज अगेंस्ट इंग्लैंड वोमेन क्रिकेट टीम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जो कि है स्मृति मंदाना। चलते हैं नेक्स्ट, और ये आज के लास्ट क्वेश्चन होगा करंट अफेयर का। व्हेन वाज द जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे ऑब्जर्व। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जो कि है मार्च 1 को होता है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। तो अभी आगे बढ़ते हैं आज के स्टैटिक जीके, जो कि बेस्ट किया गया है करंट अफेयर में से। तो चलते हैं फर्स्ट वाला। व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश का कैपिटल है ढाका, और उसका करेंसी क्या है? टाका। तो ये याद रखिएगा, बांग्लादेश का करेंसी क्या है? वो है टाका और कैपिटल ढाका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक लोकेटेड। तो इसका आंसर हो जाएगा बीजिंग। कहाँ? चाइना के बीजिंग में ये लोकेटेड है। कौन है? AIIB, जो कि है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ये इसे भी याद रखिएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 3, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ ताजिकिस्तान। तो इसका आंसर हो जाएगा इमोमाली रहमोन। कौन है? इमोमाली रहमोन है प्रेसिडेंट ताजिकिस्तान। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इपको टोक्यो लोकेटेड। तो इसका आंसर हो जाएगा गुड़गांव में इपको टोक्यो का हेडक्वार्टर लोकेटेड है। हो आज के स्टैटिक जीके का लास्ट क्वेश्चन, हु इज द चेयरमैन एंड वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी लोकेटेड। तो इसका आंसर हो जाएगा चेयरमैन है शुभ्रा सिंह, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। तो इसे याद रखिएगा, और आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं कल।